तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे। मथुरा वृंदावन की सीरीज में आज जो है हम पहुंचे हुए हैं गोकुल में, गली को क्या बोलते हैं, माखन चूर गली। वृंदावन में कौन है चश्मा चूर, अपने यहाँ गोकुल में माखन चूर है। ज्ञाने का मूल महात्म ही ब्रज की भूमि का है, इसी भूमि में बैठकर भगवान का पालना जुटाते हैं, जो मांगते 11 महीने के अंदर प्रभु मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में वो स्थान दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वासुदेव जी यमुना जी को पार करते हुए नंद बाबा के महल पहुँचे हुए थे। पूरा प्रेम से आनंद आ जाए तब हमारा पैसा देने का है, और नहीं तो एक भी रुपया नहीं देने का है, ये हमारा गारंटी है। अच्छा, आपको आनंद नहीं आए तो एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना की जो सीरीज हमने कुछ महीने पहले शुरू की थी, उसमें अब और आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले चलेंगे गोकुल। गोकुल वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ, वहाँ पर उनकी जो बचपन की बहुत सारी जो पौराणिक कथाएं हैं हम सुनते आ रहे हैं, तो उन स्थानों को देखेंगे जहाँ से भगवान श्री कृष्ण की बचपन की कथाएं जुड़ी हुई है। मथुरा से अगर गोकुल अगर आप जाना चाहते हैं तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों अगर आप मथुरा से गोकुल जाना चाहते हैं तो ऑटो ले सकते हैं और लगभग 30-35 मिनट का समय लगेगा, आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये जो बैराज आप सभी देख रहे हैं ये गोकुल बैराज है, और जैसे ही आप गोकुल बैराज पार करेंगे तो गोकुल आ जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन गांव जहां पर उनका लालन पालन हुआ। तो अभी देख सकते हैं हमने जो गोकुल बैराज है वो पार कर लिया है, और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे वहीं से राइट हैंड का ये रास्ता जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भगवान कन्हैया की नगरी गोकुल पधारने पर स्वागत है आपका। तो जैसे ही यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आधे घंटे सफर करने के बाद यहाँ हम पहुँचे थे। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है गोकुल के लिए, बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय आप देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी आगे शेयर कर दें, क्योंकि कुछ ही देर में आप वो स्थान देखने वाले हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन का जो समय है वो बिताया। सुंदर दृश्य अब आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर काफी अच्छा लग रहा है, और लेफ्ट साइड में हरे भरे पेड़ देखने को मिल रहे हैं, और सुंदर सा यहाँ पर यमुना जी का घाट है। देख सकते हैं श्री महाप्रभु की बैठक है ये, और अब हम पहुंच चुके हैं, ये पार्किंग स्थल है, काफी बड़ा स्पेस है। आप बस से आए कार से आए आप यहां पर कार बस पार्क कर दे और उसके बाद पैदल निकल पड़े नंद भवन देखने के लिए। आज मैं पहुंचा हूं गोकुल, और गोकुल भी मथुरा वृंदावन की तरह एक पवित्र स्थान है। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे इस साइड मथुरा पट्टी है, मथुरा के कुछ कह सकते हैं मकान आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर यमुना जी हैं और नंद बाबा का जो महल है यहीं पास में है, मैं आपको वहाँ तक ले चलूँगा और दर्शन कराऊँगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी यहाँ के जो प्रमुख स्थान है वहाँ भी आप सभी को ले चलेंगे तो दर्शन कराएंगे। यहाँ तो माखन चुराया है गलियों में, मट्टी में से माखन चुराया है, तभी तो कहते हैं यशोदा तेरा लाला माखन चोर है, गली गली में सो रहे और लाला तेरा माखन चोर है। कह रहा है ना टोकरी में लाला को सूप में डर के, मथुरा में जन्म हुआ, सामने ही अपना मथुरा है, भगवान का जन्म किधर हुआ, जेल में जो कंस का कारागार है, रात्रि को जो 12 बजे लाए ना टोकरी में डर के जी, बीच में कौन सी नदी पड़ी है, यमुना नदी, जो नदी पर करा के लाए ना यही वो नदी है। अच्छा यहीं से आए थे, यहीं से आए थे सामने से, सामने अपना मंदिर आ गया नंद बाबा का महल घर, जो कन्हैया को लाए ना सूप में डर के जी जी, तो लड्डू गोपाल को उसी घर में छिपाया, बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। ना गलियों में माखन चुरा के भागे, मट्टी में से माखन चुराया, तो गली को क्या बोलते हैं, माखन चूर गली। वृंदावन में कौन है चश्मा चूर, अपने यहाँ गोकुल में माखन चूर है, कहते हैं गली गली में सो रहे हो यशोदा तेरा लाला माखन चूर है, तो ये माखन चूर गली है, बोलो माखन चूर भगवान की जय हो। सामने है नंद बाबा का महल घर, उसी घर में छुपे।
तो दोस्तों फाइनली हम नंद बाबा के महल में पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं बगल में ही यमुना जी हैं और उसी के बगल में ये महल स्थित है। तो चलते हैं नंद बाबा के महल में। और श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ भी है लेकिन मथुरा वृंदावन की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नहीं दिखेगी। आप आराम से यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। आ जाओ भैया आराम से ना, धीरे धीरे। ये बैठक है इसका? ये अपना बैठक है, महाप्रभु जी का बैठक है। अच्छा, ये यमुना अष्टक का रचना इस तरह ही होता है। यमुना जी का जो पाठ वगैरह होता है ना, इसी जगह बोला ये सामने। अब बाबू थोड़ा इस घाट के बारे में बता दो। ये अपना ठकुरानी घाट है। क्या बोलते हैं इस घाट को? ठकुरानी घाट। जो अनाथ महिला होती है ना, विधवा जो महिला होती है जी जी, उनका यहाँ क्या होता है, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन इसी जगह चबूतरे पे सामने। जो आप चबूतरा देख रहे हो ना, अच्छा अच्छा, इसी जगह ये उसी के सामने होता है, हरे राम हरे कृष्ण। जो अनाथ महिला होती है, जो विधवा होती है ना। तो गोकुल में मैं पहुंचा हूं ठकुरानी घाट पर, और ठकुरानी घाट का भी एक विशेष महत्व है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह शाम कीर्तन होते हैं, यमुना जी के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन आप इस समय कर रहे हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य हैं। और यहाँ पर ये एक बैराज आपको नज़र आ रहा होगा, ये गोकुल बैराज है। कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सुबह शाम यहाँ पर इकट्ठा होती हैं और हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं। और बैक साइड में देख सकते हैं माता यमुना जी के बहुत ही दिव्य दर्शन आपको हो रहे होंगे। गोकुल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो बचपन की बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं वो इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आगे, ठकुरानी घाट को आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मथुरा वृंदावन में जो बोटिंग के चार्जेस हैं वो बहुत कम हैं। अभी यहाँ पर हम पता भी करेंगे कि उसके चार्जेस एक्चुअल में हैं कितने। और चलते हैं आगे। बाबू जय राव, ये सामने अपना नंद घाट है। जो मथुरा में जन्म हुआ था ना भगवान का, जी जी, रात्रि को जो 12 बजे लाए ना, सबसे पहले इसी घाट पर विश्राम किया। अच्छा अच्छा, इस घाट को क्या बोलते हैं? नंद घाट। उसी घाट पर विश्राम किया, बल्ला करके रह गया ना नंद पुत्री योग माया। जी जी जी, उसी घर में आ जाओ। तो दोस्तों अब चलते हैं यमुना जी का जो आरती स्थल है, जहाँ पर सुबह और शाम को यमुना जी की आरती होती है। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो आइए चलते हैं अंदर। दोस्तों अब हम उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं जहां पर योग माया का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं जब गोकुल में योग माया का जन्म हुआ, मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ गए और योग माया को ले गए, तो वो स्थान है, योग माया मंदिर है। तो आप जब भी गोकुल आते हैं यहाँ पहुंचे, दर्शन करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुंदर सा एक मंदिर है। दोस्तों अब हम नंद भवन में पहुंच चुके हैं। इस गेट के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो नंद किला, जिसे नंद भवन कहते हैं, वहां पहुंच चुके हैं। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं यहाँ के जो सुंदर सुंदर जो प्राचीन मंदिर है, जिनकी जो कथाएं हैं बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही प्राचीन है। तो आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करें, जो नंद भवन के सुंदर सुंदर मंदिर है उनमें मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अब चलते हैं नंद महल के अंदर और यहाँ पर बहुत सारी जो प्राचीन मंदिर है और कुछ जो प्रचलित कहानियाँ हैं उनको बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है, जिसमें कई मंदिर हैं। तो चलेंगे नंद बाबा के महल में और यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो आइए। और यहाँ पर अपने जो भी शूज हैं, चप्पलें हैं, यहाँ पर रख दें और उसके बाद निकल पड़े आगे यहाँ के जो सुंदर और भव्य मंदिर है उनको देखने के लिए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें। दोस्तों अब आप सभी देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये बचपन का घर है,
और दर्शन करें यहाँ पर जो मंदिर है। यही घर है भगवान को, मेन मंदिर है, घर है मंदिर नहीं घर। एक पेड़ गोकुल लगो डाल दें जगन्नाथ, भूख तो फूलो द्वारका, फल लागो बद्रीनाथ, यानी चारे धाम की मैया बाप को घर, हमारे उत्तराखंड तक की मैया बाप को। पंडित जी ये वो मिट्टी है, ब्रज की मूल है, ब्रज की धूल, ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान गुटकों से खेला, मुख से माटी खाई, माने चाटा मारा ब्रह्मांड दिखाई, ज्ञाने का मूल महात्म ही ब्रज की भूमि का है, इसी भूमि में बैठकर भगवान का पालना जुड़ाते हैं, जो मांगते 11 महीने के अंदर प्रभु मनोकामना पूर्ण करें, जिन माताओं की संतान की प्राप्ति ना हो उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार जैसी भी चाह प्रभु के चरणों में छोड़ते 11 महीने में पूर्ण करते। ये कोई मंदिर नहीं है, भगवान के माता पिता का घर, हिंदू लोग जो जन्माष्टमी का व्रत बनाते हैं, भगवान का जन्म मथुरा हुआ, उनके पिता वसुदेव यहाँ भगवान को देखे, 11 वर्ष वामन दिन या लालन पालन, यहाँ से 84 कोस में अपनी बाल ली, उतना को मारा ऊपर से हाथ बांधा, मिट्टी खाया माखन चुराया, गोवर्धन पाल उठाया, वृंदावन में रास किया, कालिया नाको नाता चीर चुराया, इसी जगह से भगवान द्वारका राज्य करने का, ये पूरा नंद बाबा का परिवार है, दाढ़ी वाले बुजुर्ग हो तो नंद बाबा कृष्ण के पिता, ये सबसे बड़ी है माँ यशोदा, इस सेंटर में भगवान के बड़े भैया है बलराम का जन्म घर, ये बलराम पत्नी रेख कृष्ण वंशी बजा, ये युग माया जिनको बदला करके मथुरा लेते, ये कंस को चेतावनी, पापी दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला कृष्ण झूला में, मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालो, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के जीता, ये भगवान का जो जैसा मैं बोलूं, बोलो मंदिर आए, मंदिर आए, झूला झुलाया, झूला झुलाए, सर्व काम, सर्व काम सिद्ध करना, सिद्ध करना, मनोकामना, मनोकामना करना, पूर्ण करना, चरणों की खुशियों से, खुशियों से जोड़ी बनना, जोड़ी हंसना, इसको बंद कर। तो दोस्तों नंद बाबा के महल में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर आप वासुदेव जी को देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब वो नंद बाबा के महल में पहुँचे उसी दृश्य को, उसी क्षण को यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर ये और भव्य मंदिर है। और पंडित जी ये यशोदा जी है, योग माया जी है, अच्छा। भगवान कृष्ण जी को यहाँ सुला गए, योग माया को यही से चेंज करके ले गए। अच्छा ये योग माया है, योग माया इनको बदला अच्छा, दिया अच्छा, देखे अच्छा, थे। और ये बलराम जी की माता है, रमणी माता है, ये भी गोकुल मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मंदिर है, जब भी आप गोकुल आते हैं तो नंद भवन पहुंचिए और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो ऐतिहासिक जो स्थान है वो देखने को मिलेंगे, प्रचलित कहानियाँ भी इनसे जुड़ी हुई हैं। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप इन दृश्यों को देखकर समझ सकते हैं कि जो हमारी प्राचीन इतिहास है, जो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। तो पंडित जी प्रणाम, जय राधे, पंडित जी प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे जी। पंडित जी गोकुल बंधन इस मंदिर का नाम है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसका नाम है दामोदर लीला, दामोदर लीला, भगवान माखन का चोरी की है ना जी, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। अच्छा इसी में बांध दिया था जी, भगवान ओखली को खींच के लेके गए ना जी जी, तो यहाँ जमला अर्जुन रखे नल कुमेर भंडारी के जो दोनों पुत्र थे उनका अवतार किया। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान नारे थे ना जी जी, उनको ज्ञान नहीं था, उनका उद्धार करने के लिए भगवान था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रज की मिट्टी है, जो माटी है, वो यहाँ पर दी जाती है और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ की मिट्टी खाई थी और वही मिट्टी यहाँ पर देखी जा सकती है, शॉप में रखी हुई है। तो ये कितने कैसे देते हैं, कितने रुपए? 10 रुपए का 10 आता है। अच्छा 10 रुपए का 10 आता है, स्नान करके थोड़ा चटनी बनाओ रोज खाया जाता है, रोज खाओ रोज मिट्टी करना। अच्छा रोज खाओ रोज इसमें माथे में लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपए में ये 10 जो पीस है ये माटी के मिलते हैं। दोस्तों अब हम उस स्थान पर आप सभी को लेकर चलते हैं जहाँ से वासुदेव जी यमुना जी को पार करके
नंद बाबा के महल में पहुंचे हुए थे। तो आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। मेरे बैक साइड में आप यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में वो स्थान दिखाने वाला हूं जहां पर वासुदेव जी यमुना जी को पार करते हुए नंद बाबा के महल पहुंचे हुए थे। यमुना जी के करीब पहुंच चुके हैं और कहा जाता है कि यही वो स्थान है। यहां से सामने आप देख रहे होंगे तो मथुरा के कुछ दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे और वहीं से वासुदेव जी यमुना जी को पार करते हुए नंद बाबा के महल में पहुंचे। नंद बाबा का जो महल है इस तरफ है, ले चले के नाव में। तो आप इन सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं और जब भी आप वृंदावन आते हैं तो गोकुल जरूर आएं क्योंकि बहुत ही अच्छा ये स्थान है। आप सभी ने नंद बाबा के महल के दर्शन किए हैं। श्री महाप्रभु की एक बैठक भी आपने देखी होगी और बहुत सारी जो कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो प्रचलित कहानियां हैं उनको भी आपने उनके दृश्य देखे होंगे जो बहुत ही सुंदरता के साथ यहां पर दिखाया गया है। इस घाट का क्या नाम है भाई साहब? इसके घाट के भैया जी तीन नाम पड़े हुए हैं। हाँ जी, सबसे पहले बोलते हैं विश्राम घाट। अच्छा, यही वासुदेव जी जब थक गए थे तो बीच में आके यानी कि विश्राम दिया था इसी घाट पे आके। अच्छा, दूसरा नाम बोलते हैं उसको नंद घाट जी। यही नंद बाबा ने कृष्ण भगवान की खुशी में 9 लाख गाय का दान दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और तीसरा है इसका ठकरानी घाट। अच्छा, ठकरानी गोविंद घाट भी जो घाट है यहाँ होता है जी, वही अगर। तो दोस्तों जैसे कि भैया ने बताया है कि ये जो एरिया है यहाँ पर तीन घाट बोले जाते हैं, एक तो ठकुरानी घाट है, दूसरा है नंद घाट और तीसरा है वासुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी पार करा रहे थे तो बीच में उन्होंने विश्राम किया था तो इसकी वजह से वासुदेव घाट भी इसको बोला जाता है। और ये जो पूरा एरिया है ये गोकुल में ही आता है और बहुत ही सुंदर यहाँ के दृश्य हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ पर। और अगर आप नंद बाबा के महल में आते हैं तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग का जो चार्जेस है वो कंडीशन के अनुसार होता है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपको कम पैसे में आप आराम से बोटिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका ग्रुप छोटा है तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो क्या चार्जेस हैं अगर दो लोग आते हैं? दो लोग आते हैं, हाँ। राउंड का हिसाब होता है जी, छोटा चक्कर करते हैं उसमें हम 50 रुपये लेते हैं एक जने के, ठीक है जी जी। और लंबा राउंड करते हैं उसमें फिर आपसे 100 रुपीज लेते हैं एक जने के। अच्छा अच्छा। और कृपल आते हैं, ओनली दो लोग आते हैं, फिर वो छोटा चक्कर उनके लिए होता है दोनों मिला के 150 का और लंबा राउंड होता है वो 350 रुपये का। उसमें यशोदा घाट, गोपी घाट और कछुए टॉर्टोइस दिखलाते हुए घुमाते हुए लेके आते हैं, पूरा प्रेम से आनंद आ जाए तब हमारा पैसा देने का है और नहीं तो एक भी रुपया नहीं देने का है, कि हमारा गारंटी है। अच्छा, आपको आनंद नहीं आए तो एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मथुरा पैदल जाना चाहें कितने किलोमीटर है सामने? वो ऐसा पड़ेगा कोई 12 किलोमीटर यहाँ से अगर सामने से जाएंगे। अच्छा अच्छा, उधर तो आपका वो आ जाएगा आगरा ताजमहल। आगरा का ताजमहल, क्या बात है। और क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए? देखो भगवान के जमाने का तो 5,500 वर्ष हो गया उस जमाने को, कल को बीता हुए जी, नहीं तो हम उस जमाने का नहीं, आप लोग हैं उस जमाने के। हाँ जी, भगवान के जमाने का बचा ही क्या है, जो तीन ही चीज बचा हुआ है जो गीता भागवत में वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। पहला तो ये आता है यमुना जी जिस पे अपन बोटिंग कर रहे हैं अभी, दूसरा है ब्रज भूमि जो अपन जानते हैं ये गोकुल है, पर ये गोकुल नहीं है, ये क्या है गऊओं का कुल, यहाँ की जो गाय होती है वो बेकी नहीं जाती है। और तीसरा है गोवर्धन पर्वत, कहते हैं ना गोवर्धन गिरधारी और पहली चोट पूतना भारी, पहले भगवान ने अपनी मौसी को ही मारा था। बोलो यमुना मैया की जय हो। तो दोस्तों देख सकते हैं जो निषाद जी हैं इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ के बारे में आपको जानकारी दी है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और जो मथुरा वृंदावन की जो सीरीज चल रही है उसमें लगातार ऐसे ही आप सभी दर्शन कर पाएंगे। तो अब आपको हम ले चलते हैं यमुना जी के बिल्कुल जल के पास, आप सभी दर्शन करें और कमेंट में जय यमुना माता जरूर लिखें। ये देख सकते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। गोकुल के नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी को लेके चलेंगे महाबन, जिसे 84 खंभा कहते हैं और वो एक सबसे मुख्य स्थान है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही लगातार आप वीडियो देखते रहे।
आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, जय यमुना जी।